ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी लोअर कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे के लिए कमिश्नर नहीं बदला जाएगा। इस मामले में 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है, यानी इससे पहले सर्वे पूरा कर देना होगा। वाराणसी लोअर कोर्ट ने कहा कि सर्वे का वक्त कोर्ट कमिश्नर तय करेंगे। मामले में अजय मिश्रा और विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक सर्वे की कार्रवाई चलेगी। ज्ञानवापी मस्जिद केस में अपना फैसला सुनाते हुए वाराणसी लोअर कोर्ट ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कोर्ट ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट समय पर दाखिल हो, इसके लिए टीम को हर मुमकिन मदद देना आपकी जिम्मेदारी है। TV9 भारतवर्ष पर फैसले की एक्सक्लूसिव कॉपी। इस कॉपी में ज्ञानवापी में सर्वे जारी रखने का आदेश दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी होगी और सर्वे का विरोध करने वालों पर FIR। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ताजमहल मामले पर फिर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी। याचिका में ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरे खोलने की मांग। ताजमहल विवाद मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि PIL को मजाक न बनाएं, ताजमहल किसने बनवाया, जाकर पहले रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, PhD करो तब आना। ताजमहल विवाद पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि ताजमहल का नाम सही नहीं है, इसे पहले तेजो महालय के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ शिवालय होता है। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट को निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 4 महीने के भीतर सभी अर्जियों का निपटारा हो। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले पर जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।